वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICDS यानी कि आंगनबाड़ी की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आवेदन करने की आखिरी डेट 20 जनवरी 2022 की होने वाली है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, साल 2022 के स्टार्टिंग की सबसे बड़ी भर्ती का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो आप लोग अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज आपको यहां पर ऐसी ही लेटेस्ट आंगनवाड़ी या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की अपडेट दी जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास अपडेट, कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के अप्लाई करके सुपरवाइजर की पोस्ट पर जॉब पा सकें। तो पहली और सबसे बड़ी खास बात यही है कि आंगनबाड़ी की तरफ से साल 2022 के स्टार्टिंग की जनवरी मंथ की बड़ी भर्ती आ चुकी है, जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए होने वाली है। सेकंड नंबर ये कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे थर्ड नंबर, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर ये कि जो आपकी उम्र है वो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल विथ आउट रिलैक्सेशन और छूट के साथ, यहाँ पर आपको 5 से 10 सालों की छूट भी दी जाएगी, यानी कि 18 से लेकर 50 साल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें वेतन के बारे में, तो वेतन आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। लगभग यहाँ पे आपको 27,000 से स्टार्टिंग होकर 83 यानी कि 83,000 रुपए तक का वेतन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में और डिटेल में मेंशन किया गया है, आपको आगे जानकारी दी जाएगी। फॉरम फीस के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी और भी जानकारी जो कि आपको आगे ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और आगे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अगर आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, रिक्रूटमेंट है ICDS की तरफ से यानी कि आंगनबाड़ी की तरफ से, जहां पे आपको सुपरवाइजर की पोस्टें मिलेंगी ग्रुप सी के अंदर। यहीं पे अगर हम वेतन के बारे में बात करें तो 27,300 रुपये से लेकर 86,300 रुपये तक यहां पे आपको लेवल 9 के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो आपकी एज है वो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल तक की होनी चाहिए। 20/1/2022 यानी कि 20 जनवरी से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 20/1/2022 अप टू 5:30 यानी कि शाम के 5:30 बजे तक आप लोग 20 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। और आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह कैसे होना है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसके बारे में जानकारी है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन लेना होगा। पर्सनालिटी टेस्ट भी होना है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे और कौन कौन सी जानकारी मेंशन करी गई है, तो आपको बता दें कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15/12/2021 यानी कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। और इसके बाद जो आखिरी डेट है वो बता दिया कि 20 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी है, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के अंदर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएंगी वीडियो के आखिरी में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2022 के बारे में, बिकॉज यहाँ पे नए साल में आंगनवाड़ी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यानी कि खुशखबरी आ चुकी है। अगर बात करें कि कौन सी पोस्ट पर आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको सुपरवाइज़र की पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। यहाँ पे आपको आखिरी डेट 20 जनवरी 2022 की बताई गई है, बिकॉज यहाँ पे न्यू वैकेंसी है और दिसंबर 15 से लेकर आप लोग 20 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। और बात करें वेतन की, तो वेतन आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार 27,300 रुपये से स्टार्टिंग का देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, इसके बारे में अपडेट आपको दिया जा रहा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आपको आवेदन करने के साथ साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है, देख पाएंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे वैकेंसी डिटेल मिलेगी, जहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें मिल जाएंगी। बात करें पोस्ट नेम के बारे में तो आपको सुपरवाइजर की पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 15 दिसंबर 2021 की है और आखिरी डेट 20 जनवरी 2021 की देखने को मिलने वाली है। यहीं पर अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन कर पाने के लिए। यहीं पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, आपको डिटेल में जानकारी वहीं से देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आंगनवाड़ी होने वाला है, इट मीन्स कि ICDS। और इसके बाद बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है, आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। देन बात करेंगे पेमेंट सेक्शन के यानी कि वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में, तो आपको 27,300 रुपये से लेकर 86,300 रुपये तक पर मंथ का यहाँ पे वेतन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि 10th 12th ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर पाएंगे। बात करें कैसे आपको आवेदन करना होगा, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से 20 जनवरी 2021 के शाम के 5:30 यानी कि 5:30 बजे तक आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। इसके बाद है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, जहाँ पे आपको प्रीलिम एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे चयन पाना होगा। देन अगर बात करें इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली क्लिक करना है या फिर linkworking.org की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने का एक फ़ायदा है कि आपको और डिटेल में अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल करना है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, आपको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करनी है। चेकआउट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर की बटन पर एक बार क्लिक करना है और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को किसी भी PDF रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन है और नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का बटन भी दिया गया है।
आपको यहीं पे क्लिक करके अप्लाई करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने का पूरा वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊं, जिससे आप लोग घर बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के अप्लाई कर सकें, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको आवेदन करने का पूरा डिटेल वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।